तू यहाँ क्यों आई? अरे एक ना एक दिन तो आना ही था, इसीलिए मैं आ गई और बैठ गए। वाह 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 वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। चल उठ भाग इधर से। अजीब आदमी हो, घर आए मेहमान की इस तरह बेइज्जती करते हो। वैसे भी होने वाली बहू पहली बार घर आई है तो मुंह मीठा कराओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ आरती वारती उतारो। जाओ जाओ आरती वारती उतारो, अगर बाबूजी ने देख लिया तो मेरी आरती उतर जाएगी। चल चल भाग इधर से। पहले ये बताओ मुझे 3 दिन से क्यों नहीं मिले? देख मैं बाद में आ जाऊंगा, तो जो कुछ बोलेगी वो मैं करूंगा। तेरा हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, जा बाबूजी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, बाबूजी से क्या इतना डरते हो? मैं खुद बाबूजी से मिलने आई हूँ और बाबूजी से इतना ही पूछूंगी। क्या बाबूजी पैदा किया? क्या 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 पैदा किया? क्या 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 बोले? लल्लू जैसे बेटे को पैदा किया। मैं लल्लू? हाँ मैं लल्लू। मैं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। बैठो। अरे जीती रे बेटी, तू कब आई? बाबूजी मैं आप ही से मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, तू मुझसे मिलने आई थी? और ये कहने आई थी कि बाबा आपको बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे बहुत दिन से आप मिले ही नहीं। बहुत दिन से? तो कल जो मुझे मिले थे वो तेरे बाबूजी नहीं होंगे, उनका कोई हमशक्ल होगा शायद। हाँ कल मिले थे? नहीं नहीं बाबा ही थे। उनका मतलब है, नहीं मेरा मतलब है कि आप कई दिनों से हमारे घर नहीं आए। अच्छा अच्छा, तू यूँ बोलना तो तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर आऊँ? तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर में आके तेरे बाबूजी से अपने इस लल्लू बेटे की शादी के बारे में बात करूँ? नहीं नहीं लल्लू नहीं बाबूजी, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा तुझे पसंद है? अरे सुन तो लल्लू। बाबूजी अब तू पुतले की तरह यहीं खड़ा रहेगा या उसके पीछे जाएगा? मैं जाऊं? जा। मैं मास्टर दीनानाथ जी घर पे हैं? आइए आइए। अरे आइए। नमस्ते। आज का दिन तो बड़ा शुभ है कि आप हमारे घर आए। नहीं मासी जी। आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता मैं हाजिर हो जाता। हाँ वैसे उसूलन तो आप ही को आना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि गरज अपनी है तो मैं ही चले चलता हूँ। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप आज्ञा दीजिए। मासी जी मैं आपको याद दिलाने आया था कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी कर देनी चाहिए। गंगा प्रसाद जी मैं जानता हूँ हमारे बच्चे बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। मैंने खुद भी कई बार चाहा कि अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहाँ ले जाऊं, मगर सच्ची बात तो यह है कि आप जैसे बड़े आदमी के यहाँ रिश्ता ले जाने में मन बड़ा झिझकता था। बड़ा आदमी और मैं? क्या मास्टर जी, जिस इंसान के सामने सारा गांव सर झुकाता हो उससे बड़ा इंसान कौन हो सकता है। अच्छा खैर ये छोटे बड़े का चक्कर छोड़िए और जितनी जल्दी हो सके शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाइए। लगन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस 2 मिनट और रुक जाए पंडित जी, मेरी शादी हो और मेरे भाई ना आए ऐसे कैसे हो सकता है। वो जरूर आएंगे। अरे क्या खाक आएंगे वो लोग, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। पंडित जी आप शुरू कीजिए। थोड़ा इंतजार कर लें, शायद वो आ जाएं। मैं उनका बाप हूँ, उनके रग रग से वाकिफ हूँ, वो जान बूझ के नहीं आएंगे। पंडित जी शुभ घड़ी नबी जी आप शुरू कीजिए, मैं कह रहा हूँ शुरू कीजिए। मैंने कहा था ना वो जरूर आएंगे, भाई किसके हैं मेरे। स्वस्ति ने बृहस्पति दधातु ओम ब्रह्मा मुरारी स्थिति प्रांतकारी भानु शशि भूमि। बाबू जी वो कहने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साध के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। शक्ति वो छोटू पीछे आ रहे क्या? नहीं भैया, उन दोनों को कुछ जरूरी काम से रुकना पड़ा तो। ये भी तो जरूरी काम है, मेरी शादी हो रही है और उनको आने की फुर्सत नहीं है, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? पैक। चल चल। 500 ब्लाइंड। 500 ब्लाइंड। 1000 ब्लाइंड।
और ये शो शो जी। ले बच्चे देख ए मिठाई बांटो बाजो बजाओ नाचो गाओ अपने छोटों की सगाई हो रही है। पार्वती पार्वती देख देख शेर चिट्ठी आई है अपने छोटों की सगाई हो रही है। हाँ देख देख देख। अरे क्या शोर मचा रहे हो, क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? बाबू जी कल शहर में छोटों की सगाई है, हम सबको बुलाया है, आप जल्दी तैयार हो जाइए, कल सगाई है, आज निकलेंगे तो कल पहुंचेंगे। हम नहीं जाएंगे सगाई में। अरे बाबू जी आप नहीं जाएंगे तो सगाई कैसे होगी? ये कोई सगाई का तरीका है? न हमसे पूछा न सलाह ली और मंगनी का दिन तय कर लिया, हम नहीं जाएंगे सगाई में। बाबू जी अरे पार्वती पार्वती तू जरा समझाना, जा जा समझाना। बाबूजी बहू तू जाके उसे कह दे हम इस मंगनी में नहीं जाएंगे। ठीक है आपको नहीं जाना तो मत जाइए, मैं और पार्वती चले जाते हैं। चल पार्वती। मैं बाबूजी को अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकती, अगर मैं चली गई तो इनकी देखभाल कौन करेंगे? अच्छा तुमको भी नहीं जाना है, ठीक है ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ और ऐसा स्टाइल से बंठन के जाऊंगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। पटली कमरे है तिरछी नजरे है, आ जा मेरा पर देसी बालम आ जा तेरा को मैं दम दम दम। मेरे को बोलता है पूछ मत और उधर तो लाइन मारता है इडियट। ई माटो लाइन नदी माटो जा जा जा। एक छोकरी ना तीन गुंडा उसका पीछे भागता है। हाँ अभी छोकरी को पकड़ेगा। कौन है तुम लोग? छोकरी को मारेगा। बचाओ 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 छोड़ो बचाओ। अरे जॉनी जॉनी रूस्टर हेल्प कर ली बचाओ। मजाक में एक फटका पड़ जाएगा तो मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर हो जाएगा। ये तो शूटिंग से शूटिंग अभी जो 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 अभी हीरो आएगा जो तीन गुंडा और एक आदमी है। पीछे को क्या आएगा? पीछे से नहीं कैसे आएगा? क्लाइमेक्स विदेक पुलिस आएगा। आ जो 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 पुलिस आ गया। ए क्या करता है साला, क्या करता है साला साला। एक डंडा पड़ेगा तुम्हारा खोपड़ी में भेजा है, टुकड़ा टुकड़ा बाहर निकलेगा साला। समझता क्या है? क्या हो गया मैम साहब? हवलदार साहब इसे गिरफ्तार किया। अरे गिरफ्तार करने के लिए कमाया है साला हमारा जो डंडा है, ये डंडा एक गुंडा खाता है तीन तीन गुंडा बाहर निकलता है। हवलदार साहब आपके पास क्या प्रूफ है क्या आपने इसको छेड़ेला है? प्रूफ साला कानून का बात करता है, पॉइंट पकड़ के चलता है साला। हैं प्रूफ चाहिए प्रूफ? ओए ओए ए जॉनी हवलदार पर ओए ओए चिल्लाता है। ओए ओए हां साला हवलदार भी ठीक है देखे। हां ओए रे नहीं 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 जवाड़े 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 आओ 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 बाय बाय। अरे तुम अरे मुड़ ताए से चल साया बाया बाया बाया। अरे साला हाथी लगता है मरा सुन लगता है। विश्राम आराम इधर जो गड़बड़ हो गया तुम देखा है तो? हाँ देखा है। अभी तुम पुलिस स्टेशन में चलो चलो मैम साहब तुम भी चलो। तुम जाओ मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अच्छा है चलो तालाब। क्या बात है हुसैन मियां बहुत देर हो गई सोनम अभी तक नहीं आई। आती होगी हुजूर। ये लीजिए ना आ भी गई वो। गुड मॉर्निंग हुसैन चाचा। क्या बात है बिटिया बहुत देर लगा दी आज। अरे आपको नहीं पता आज क्या हुआ, आज सीपीएस के सामने चार हुंडों ने मुझे खेल लिया और फिर होने लगी हाथापाई। अगर मुझे जूडो कराटे आते तो एक को यू सीधा फ्लैट कर देती। देखिए कितनी बार तुमसे कहा कि इतनी दूर मत छाया करो। उसके आगे तो सुनी क्या हुआ, फिर एक सुपरमैन आया, उसने जो ढिशुम ढिशुम स्टार्ट की, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, एक सीधा भागा और वो उसके पीछे भागा। वो सुपरमैन कौन था भाई? ये था वो सुपरमैन। अच्छा तस्वीर में दिया गया है?
अरे भाई हमें भी तो दिखाओ। अरे भी देखते क्या दिखाओ, सूरत सुपरमैन। अरे ये तो अपना संजू है, इंस्पेक्टर संजू, डीएसपी अमर सिंह का लड़का। इंस्पेक्टर? हाँ। तभी तो मैं सोचा इतना स्टाइल, इतना कॉन्फिडेंस आम आदमियों में कहाँ होता है। डैडी मुझे भी पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। अच्छा अच्छा बन जाना, प्रॉमिस। बाय। कमाल करते हैं कमिश्नर साहब, आपने भी हाँ कह दी। उसकी उम्र थानेदार बनने की नहीं है, थानेदारनी बनने की है। उसके हाथों में मेहंदी रचाई जानी चाहिए, उसके हाथ मुजरिमों को हथकड़ियां पहनाने के लिए नहीं है। ठीक कहते हो सैन मियां, अब तुम्हें बताओ हम क्या करें। अरे करना क्या है, अमर सिंह साहब से बात कर लीजिए, चट मंगनी पट गया। नमस्ते अंकल। ए सिविल ड्रेस में हूँ इसलिए तुम्हारी नमस्ते का जवाब दे देता हूँ, पर जानता हूँ ऑफिस में होता तो आपको सल्यूट करना पड़ता। वैसे मैंने अपने खानदान की परंपरा को कायम रखा है, जैसे डैडी मुजरिम और गुनहगारों के दुश्मन है वैसे मैं भी, सिर्फ दोनों के काम करने का अंदाज अलग अलग है, वरना इस मामले में हम दोनों रईस है। इसीलिए तो लोग तुम्हें रईस ज्यादा कहते हैं मियां। अरे रईस ज्यादा नहीं, दिल का रईस ज्यादा। मैं जानता हूँ बेटे तुम्हारा कानून और कानून वालों की तरफ अलग नजरिया है, पर जिनका जीने का अंदाज अलग होता है वो अक्सर कानून को नहीं राह दिखा जाते। फिलहाल तो जीने के लिए खुद नहीं राह ढूंढ रहा हूं। अच्छा बेटे, अब हम चाहेंगे कि तुम हमारी बेटी सोनम के हमसफर बनकर उन्हें गार्डन दिखाएं, सीडीओ दिखाएं। थैंक यू डैडी, चले। लीजिए। नजारे देख रही हो या कुछ सोच रही हो? क्या सोचूंगी, कहीं वही तो नहीं जो एक लड़का लड़की को कहने से पहले सोचता है। इसमें सोचने की क्या बात है, एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। अच्छा, और कह देना होता है क्या? सोनम तैयार है? हाँ सरकार, बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। पापा, आई एम रेडी। अरे ईश्वर हमारी बेटी को इतना बड़ा ओहदा दे कि एक दिन हमें भी उसे सलूट करना पड़ा। मुझे ओहदे की नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है पापा, ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग सही सलामत पूरी करके आ सकूं। अच्छा हुसैन चाचा, तो मैं चलती हूँ। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटी, इस रहीम चाचा ने बचपन से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मेरी दुआओं का असर तुझे जिंदगी में हर जगह नजर आएगा। बड़ी मुरादों से हाजी अली बाबा के मजार से ये कलमा लिखा हुआ कड़ा लेकर के आया हूँ बेटी, इससे पहले जी। एक गरीब नौकर तुझे सिवाय दुआओं और आशीर्वाद के और क्या दे सकता है बेटी। आपकी दुआएं ही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा खुदा हाफिज। ओके, टेक केयर एंड बी गुड। यस बाय। ए सोनम, सोनम रुको। हाय। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। व्हाई? कितना इंतजार करवाया तुमने मुझे, तुम्हें वक्त का एहसास है कि नहीं है? वक्त का एहसास तो है पर मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त का एहसास है पर मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए से छलिए बन के घूम रहे हो। वो तो हुआ यू, मैंने सोचा कि तुम ट्रेनिंग पे जा रही हो तो मेरा दिल खाली खाली हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे कहीं और लगा लिया। क्या हो, तुमने दिल लगा लिया? अरे ड्यूटी से भाई, ड्यूटी से। ये देखो राजा का ड्रेस पहनकर देखने जा रहा हूँ, कहीं प्रजा दुखी तो नहीं है? आइडिया बुरा नहीं है, है ना? अरे कांस्टेबल साहब जरा तीतो बगा ना, तीतो। एक कॉपी दे दो।